मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया न तुम हम जाने न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया. हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आतिका. कहते हैं हिंदी सिनेमा कला की कम अदा की ज़्यादा जगह है, लेकिन कुछ लोग इस बात को सरासर गलत साबित कर देते हैं. जी हाँ, अगर बात संगीत की करें तो नौशाद ने हिंदी सिनेमा के संगीत को क्लासिक बनाया, ओपी नैयर ने उसमें बचपन डाला, उसे गुनगुनाने की चीज़ बनाया, और एक संगीतकार ऐसा था जिसकी धुनों में सुबह का तेज भी था और शाम की गहरी उदासी भी, जिसने ये साबित किया कि शाही ख़ानदान का वारिस होने के बाद भी उसकी धुनों में आम आदमी की तकलीफ भी थी और खासम खास की अदायगी भी. सचिन देव बर्मन, जिसके नाम पर सचिन तेंदुलकर के दादा ने अपने पोते का नाम रखा, जिसकी नसों में, जिसके खून में संगीत था, जिसके हाथ की लकीरों में संगीत था और जिसकी माथे की तकदीरों में भी संगीत था. अरे माझी, ओ, ओ, मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार. इस दुबले शरीर और सादी कदकाठी की तस्वीर के पीछे एक दूसरा ही इंसान बसता है. यूं तो ये चेहरा भीड़ में आसानी से खो जाएगा, पर आदमी वो जिसकी हस्ती का असर दूसरों को अपनी ओर यूं खींचे कि फिर कहने को लफ्ज कम पड़ जाएं. हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मोहन के पल को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मोहन के पल को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो. एस डी बर्मन, इनकी तारीफ ये नहीं कि ये आर डी बर्मन के पिता हैं, इनका तारुफ ये भी नहीं कि इन्होंने सिनेमा की 100 फिल्मों में संगीत से जान डाली. इनका कद इसका मोहताज भी नहीं कि राष्ट्रपति ने इनके सीने पर दो दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार के मेडल लगाए, और उनकी वाहवाही इसमें भी नहीं कि इनके संगीत को 5 साल फिल्म फेयर के नॉमिनेशन और 2 बार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिला. कोई देखे नशीली आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना, ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना. एक अक्टूबर 1906 में कोमिला बांग्लादेश में जन्मे सचिन देव बर्मन की रगों में शाही खून था. उनकी माँ राजकुमारी निर्मला देवी मणिपुर की रानी थी और उनके दादा आई डी बर्मन त्रिपुरा के राजा थे. रगों में शाही खानदान का खून, लेकिन उंगलियों में यादगार संगीत बनाने और गले में अमिट सुर गाने का हुनर था. मेरी दुनिया है मात तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है मात तेरे आंचल में. उन्होंने एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर 1937 में राजकी नाम की फिल्म में संगीत दिया, लेकिन कुछ साल बंगाली फिल्मों में संगीत देने के बाद 1944 में वो मुंबई आ गए और फिल्मिस्तान की फिल्मों 8 दिन और शिकारी के लिए संगीत दिया.
इसके बाद कई हिट फिल्में आईं, लेकिन 1950 के दशक में उनकी 23 साल तक न टूटने वाली जोड़ी बनी देवानंद के साथ। हो तुम या कोई हकीकत कौन, हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। 9 तो 11, काला पानी और टैक्सी ड्राइवर, जिसके लिए उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर भी मिला। हम बेखुदी में तुम को पुकारे चल गए। हम देवानंद के होम प्रोडक्शन नवकेतन की पहली फिल्म अफसर के लिए 1950 में SD बर्मन ने ही संगीत दिया था। इसके अगले ही साल आई बाजी, उसके बाद मुनीम जी, पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस की एक हिट जोड़ी बना दिया। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। उनके काम करने का तरीका काफी दिलचस्प था। उस जमाने में राज कपूर पर मुकेश, राजेश पर किशोर और दिलीप कुमार पर रफी की आवाज ही ली जाती थी, लेकिन उन्होंने सारी रीत तोड़ दी। एक ही फिल्म में मूड के हिसाब से एक ही हीरो पर अलग अलग आवाजें देने का एक्सपेरिमेंट किया। वो अक्सर सुबह सवेरे सिंगर्स को फोन किया करते, बातों में उन्हें उलझाते और सुबह के वक्त उनकी असल आवाज समझने की कोशिश करते, ताकि गानों में वो सही आवाज का चयन कर सकें। इस गीत के लिए जब उन्होंने गीतकार साहिर लुधियानवी से कहा कि वो देवानंद के लिए हेमंत कुमार को लेंगे, तो साहिर हंस पड़े, लेकिन ये गाना जबरदस्त हिट हुआ। रात ये चांदनी फिर सुन जा दिल की दास्तां। वो किसी भी गाने को कंपोज करते वक्त उसी मूड में जाना पसंद करते थे, जैसे गरीबों पर दर्शाए किसी गाने को वो गरीबों के बीच सड़क पर बैठकर धुन बनाने की कोशिश करते। रात में चांद को देखकर गाया गाना उन्होंने अपने घर की खिड़की में बैठकर चांद को देखते हुए बनाया, और अपनी धुन को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट होते थे, लेकिन फिर भी किसी की नुक्ताचीनी उनको नापसंद नहीं थी। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए। जैसे इस गीत के लिए विजय आनंद और देवानंद पुरानी धुन पर खुश नहीं थे, उन्होंने बर्मनदा को फोन किया और कहा कि कुछ बेहतर हो सकता है। SD बर्मन ने कहा, मुझे लगता है ये धुन बेहतरीन है, और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह सुबह वो घर गए और नई धुन सुनाई। देव और विजय आनंद खुश हो गए और बर्मनदा मुस्कुराने लगे। अपने कभी थे, अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। कुमार बर्मन बचपन में कई गांव घूमते थे, जहां के लोक संगीत यानी फोक म्यूजिक से वो बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने अपने करियर में न सिर्फ गीतों की धुनें बनाई, बल्कि अपने गीतों और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के गीतों को आवाज भी दी, जिससे मिलती जुलती इंडस्ट्री में कोई आवाज न थी। आराधना फिल्म में उनके गाए हुए इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला। फूलों से, कांटों से, मालीन हार पिरोए, आहे को रोए, चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, आहे को रोए। SD बर्मन खुद तो शाही खानदान से थे, लेकिन उन्होंने शादी रविन्द्रनाथ टैगोर की शिष्या मीरा से की थी, जिसकी वजह से उनके खानदान ने उनसे नाता तोड़ दिया। राहुल देव बर्मन यानी पंचम उनके इकलौते बेटे थे। पंचम ने बड़े होकर जब पहले से शादीशुदा आशा भोसले से शादी करने की ख्वाहिश जताई, तो वो खामोश हो गए। एक दिन वो और आशा भोसले, जो कई बार साथ काम कर चुके थे, उन्होंने उनसे कहा कि पंचम मेरी इकलौती औलाद है, और रब ने बड़ी मिन्नतों से उसे हमारी गोद में डाला था, अब वो तुम्हारे हवाले है, तुम दोनों मिलकर संगीत को नई पहचान देना।
आशा को क्या मालूम था कि उनके शुरुआती करियर का ये हिट गीत जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने उनसे गवाया था वो एक दिन उनके ससुर बन जाएंगे। छोड़ दो आजल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आजल जमाना क्या कहेगा। हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। सचिन देव बर्मन ने जहां प्यासा, कागज के फूल, देवदास जैसी फिल्मों में उदासी भरे गीत दिए, वहीं 70 के दशक में उनके संगीत में बड़ी चूहल दिखी। शर्मीली, अभिमान, ज्वेल थीफ, छुपके छुपके, मिली, प्रेम पुजारी जैसी फिल्में 70 के दशक को परिभाषा देती हैं। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में। अभिमान के गीतों के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला, जिस फिल्म का संगीत हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर है। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मिली का ये गीत कंपोज करने के बाद बर्मन दा कोमा में चले गए। एसडी बर्मन ने अपने करियर में सिंगर्स में ज्यादातर लता, आशा, मन्ना डे, हेमंत कुमार, रफी, किशोर के साथ काम किया। वहीं गीतकारों में उन्हें हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शैलेंद्र, नीरज के साथ काम किया। एक वक्त पर वो 2 या 3 से ज्यादा फिल्में लेते ही नहीं थे, तभी नतीजा आप खुद देख सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट उनका शौक था, जैसे आराधना के गाने में सिंगर से माउथ ऑर्गन बजवाना उनका आइडिया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लता के साथ उनका 26 साल का रिश्ता क्यों टूटा था। ब्रेक के बाद आपके सजन सावन में आग लगी।